तो आज की शायरी मेरे उन भाइयों के लिए जिनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि लड़कियां कैसे पटाएं। अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो, अभी तो, अभी तो और दिखेगा। अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। तो अर्ज किया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सफर लंबा है दोस्तों, दोस्त बनाते रहिए। सफर लंबा है दोस्तों, दोस्त बनाते रहिए। दिल मिले ना मिले, हाथ बढ़ाते रहिए। ताजमहल ना बनवाइएगा दोस्तों, महंगा पड़ेगा। ताजमहल ना बनवाइएगा दोस्तों, महंगा पड़ेगा, मगर हर गली में एक मुमताज बनाते रहिए। आई एम स्टंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर DM पर। तो आज हम सीखेंगे 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 8th, 9th, 10th। आइए देखते हैं। 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8th है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, ट्राई सेक्शन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास ए एंड बी पॉइंट है। मानना क्या है, दे ही रखे हैं हम, बना देते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट की लोकेशन दे रखी है हमें, वो बता रखी है 2-2। वहीं जो बी पॉइंट की लोकेशन है वो दे रखी है हमें -7, 4। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अच्छा, ट्राई सेक्शन का जिक्र हो गया। ट्राई सेक्शन मतलब जो भी ये लाइन है, यानी ए बी, ए बी लाइन को हमने 3 इक्वल सेक्शंस में बांट दिया है। यानी कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ और दूसरी यहाँ, तो आप देखेंगे 3 इक्वल पार्ट में लाइन बट गई है। इतना पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में लाइन बट चुकी है। पूछ क्या रहा है कि यानी अगर 3 इक्वल पार्ट में बटे तो ये जो पॉइंट आएगा P, मान लेते हैं इसको एज्यूम कर लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q, तो इस पॉइंट के यानी कोऑर्डिनेट्स, यानी पूछ रहा है X और Y क्या होंगे, इसके वाले के X और Y क्या निकलेंगे, तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो करिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कैसे करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सी बात देखिए, 3 इक्वल पार्ट में बट रहे हैं, तो यानी एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अच्छा, तो m रेशो n क्या बनेगा यहाँ पर, m रेशो n, यानी एक पार्ट इस तरफ है तो यानी 1 आ जाएगा, और दो पार्ट इस तरफ है तो यानी 1:2। अच्छा, a और b को हम क्या रखते थे, a और b को हम रखते थे, ये होता था x1, दूसरा होता था y1, ये होता था x2, दूसरा होता था y2। अच्छा, अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम मान लीजिए x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी p पॉइंट पे, p पॉइंट का जो x और y है इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले x की वैल्यू निकालता हूँ, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास m x, याद करा देते हैं आपको साथ के साथ, ट्रिक के साथ ही, m होता है बीच में, n होता है, m प्लस n होता है नीचे, m प्लस n होता है, ये m x 2, ये n x 1, ऐसे करना है, बीच में प्लस आ गया। अच्छा, अब क्या है, ये जो पॉइंट है हमारे पास p, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस लाइन को, ए बी सेगमेंट को, हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, यानी ये 1, इधर से 1 और इधर 2। तो अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं, तो m की वैल्यू तो हमारे पास सबकी नोट कर लेता हूँ, m की वैल्यू है हमारे पास 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा, और किस किस की है, x1 की बता रखी है हमारे पास कितनी है 2, x2 की हमारे पास कितनी है -7, और क्या क्या जरूरत है इसमें, बस इतनी ही चीज़ों की जरूरत है। m देखते हैं, m की लिखी 1, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, और x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n, यानी m प्लस n कितना हो जाएगा हमारे पास 3। आप यहाँ देखिए, -7 को 1 से करते ही -7, 2 को 2 से प्लस का 4 अपॉन में 3, तो -7 प्लस 4 -3, -3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा -1, यानी जो x की लोकेशन आ गई ये वाली, ये होगी -1। अच्छा, y की लोकेशन निकालता हूँ यहाँ से, तो सिंपल है, m यहाँ लिखूँगा, n यहाँ लिखूँगा, m प्लस n ऐसे ही, यहाँ आता है y2, यहाँ पर y1, तो m कितना है हमारे पास, वही 1 है, और उसके बाद है y2 में लिख लेता हूँ, y1 है हमारे पास कितना -2, और y2 हमारे पास कितना है 4, तो ये होगी -2 और 4, तो y2 की वैल्यू है हमारे पास 4, और प्लस में है हमारे पास n, देखते हैं n की वैल्यू है हमारे पास 2, और y1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी -2। तो अब यहाँ से यहाँ करें, और ये m प्लस n निकाले तो यानी 1 प्लस 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 4। आप देखिए 2 इंटू -2 यानी -4,
अपॉन में 3 यानी 0, 4 माइनस 4 0, पूरा क्या बना देगा 0, तो यहाँ y की लोकेशन क्या आ गई हमारे पास 0। अच्छा तो हमारे पास यानी P पॉइंट की हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब क्या है हमारे पास Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप या तो पी बी लेके निकाल लो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ से आप देखेंगे एक लाइन सेगमेंट है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जितना ये हमारे पास हिस्सा था उतना ही ये हिस्सा है, तो ये किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा 1:1 में। तो इसके m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके m की आ गई 1, इसके आ गई n। जब हम क्या ले रहे हैं, जब हम पी बी लाइन सेगमेंट दे रहे हैं, पी बी लाइन सेगमेंट जब हम कंसिडर करते हैं, तब हमारे पास जो m आता है वो आता है 1 और n भी आता है हमारे पास 1, क्योंकि एक हिस्सा इस तरफ है इसमें एक हिस्सा, तो ये q के कोऑर्डिनेट बता देगा, क्योंकि q कोऑर्डिनेट जो है वो पी बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में हमारे पास 1:1 में। तो अब आप देखिए q के पॉइंट निकालता हूँ मैं, तो q के भी हमें एक्स वाई निकालने, तो x निकालूंगा q का पहले, तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास m x2 plus n x1 अपॉन में m plus n। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये वाला x1 y1 नहीं लिखना, यहाँ से अभी हटा देना x1 y1। अब कहाँ पर आ जाएगा x1 y1, ये नया जो बन चुका है, क्योंकि हमने इस बार पी बी लाइन सेगमेंट दिया, तो इसका इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे x1 और y1, उसको पड़े रहने दो, x2 y2 हो जाएगा उससे भी काम। अच्छा अब हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास -7, x1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम, x1 एक बार नया हो गया हमारे पास, ये आ गया -1। तो अब इनको पुट करके देखते हैं, m की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू आ गई -7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 ही है, और x1 की हमारे पास वैल्यू है हमारे पास -1, और यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n यानी 1+1, ये कितना हो जाएगा -7, और ये -1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा -8/2, ये आ जाएगा -4, यानी ये जो वैल्यू है ये आ गया, एक तो x का तो आ गया -4। अब कर देते हैं इसको थोड़ा सा रब, यानी हमने पहला तो पॉइंट निकाल लिया था, तो इस साइड वाला सेक्शन में सारा रब कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कर दिया है रब। अब मैं निकालूंगा y पॉइंट, तो y का हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास m y2 plus n y1 अपॉन में m plus n। अच्छा y2 और y1 की वैल्यू यहाँ से उतारूँ अगर मैं, तो y2 तो हमारे पास आ रहा है 4 और y1 आ रहा है हमारे पास कितना 0। तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, m क्या है हमारे पास 1, y2 क्या है हमारे पास 4 plus n क्या है हमारे पास 1, और ये होता है 0, और ये आ जाएगा 1+1 2। तो आप देखिए 4 × 1 4, 1 × 0 0 2, तो यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। तो हमको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो ट्राई सेक्शन में बांट रहे हो, तो यानी एक पॉइंट ये निकलता है और एक पॉइंट ये निकलता है, इससे ये पूरी लाइन सेगमेंट तीन हिस्सों में बढ़ जाती है। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप जो पॉइंट्स हैं जो ट्राई सेक्शन में बांट रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो हमने एक एक करके निकाल दिए, पहले मैंने ए बी सेगमेंट ले लिया था, फिर मैंने क्या करा था एक्स वन वाई वन इसे लिया था, एक्स टू वाई टू इसे लिया था, पी डिवाइड कर रहा था किस रेशो में 1:2 में, तो ये हमने निकाल दिया था। उसके बाद हमने एक्स वाई की यहाँ से वैल्यू निकाल दी, उसके बाद हमने क्या करना था क्यू पॉइंट। अच्छा आप वैसे भी निकाल सकते थे, आप मान लीजिए मैंने तो 1:1 लेके कर लिया था, क्योंकि मैंने पी बी लाइन सेगमेंट देख लिया था। अगर मैं पी बी ना करता, मैं मान लेता ए बी ही करता, तब इसका जो एम रेशो एन बनता ना वो कितना बनता, दो हिस्से इस तरफ एक हिस्सा इस तरफ, तब इसका जो रेशो आता वो आता 2:1, तब ये उसमें डिवाइड हो जाता। तो आप एम रेशो एन करो, तो लेकिन फिर इसको एक्स वन वाई वन इसको ही मानना, ठीक है। लेकिन जब मैंने पी से स्टार्ट करा तो एक्स वन वाई वन मैंने इसको मान लिया था, इसको एक्स टू वाई टू मान लिया था, और यहाँ पे क्यू था इक्वली डिवाइड कर रहा था, तो 1:1 करा था। और जब हमने सोल्व करा तो इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए, इसका एक्स का आ गया, इसका वाई का आ गया। बस यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास 9th एग्जांपल जो है उसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट ये है इसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये हो गया इसको मान लेंगे हम बी पॉइंट। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा इस लाइन में कहना क्या चाह रहा है, एक वाई एक्सिस है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। एक बार समझ के देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। एज्यूम करके देखते हैं, वैसे आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है एग्जाम में, आप फिर भी बस एक बार आइडिया लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ए पॉइंट कहाँ पर है 5 और -6, तो यानी एक्स की तरफ तुम्हारे पास 5 और वाई की तरफ -6, यानी नीचे की तरफ आ रहा होगा कुछ यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास हो गया ए पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट की लोकेशन है हमारे पास 5 और -6। एक सेकेंड,
ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस 6। सेकेंड पॉइंट है वो हमारे पास है माइनस 1 और माइनस 4, तो माइनस 1 कहीं इस तरफ और माइनस 4 कहीं नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर मान लेते हैं हम माइनस 1 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी पॉइंट। यही इसने कहा है कि ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, वो एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, यहाँ से हमने एक लाइन जोड़ दी यूँ, और उनको डिवाइड कौन कर रहा है, वाई एक्सिस। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस ही उनको डिवाइड कर रहा है। अच्छा, वाई एक्सिस किस पे डिवाइड करेगा हमें नहीं पता, हम लिख देते हैं एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, एम हिस्सा इधर है एन हिस्सा इधर है, हमें नहीं पता कितने में कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करने हैं, कि यानी इस पॉइंट की इंटरसेक्शन, ये पॉइंट या इसे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी हम मान लेंगे एक्स और वाई। अच्छा, अब एक्स और वाई तो मान लेते हैं, लेकिन आप खुद एक आइडिया लगाइए कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, इस पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस है जीरो आएगी हमारे पास, और वाई एज इट इज़ वाई का वाई आ जाएगा, हमें नहीं पता वाई कुछ भी आ सकता है, 5, 4, 6, 4, 3, 2, लेकिन आप देखिए हिसाब लगाइए समझेंगे तो यहाँ आएगा तो नेगेटिव में वाई की वैल्यू, क्योंकि ये इससे नीचे है ओरिजिन से, तो यहाँ वाई तो आएगा नेगेटिव में, और लेकिन एक्स में हम डैम श्योर हैं कि एक्स हमारे पास जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। अब इसका एक रफ फिगर मैं बना लेता हूँ यहीं पर ही, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए पॉइंट, जिसके जो फिगर में जिसके कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं वो है 5 और -6, और सेकेंड है हमारे पास -1 और -4, ये हमारे पास बी पॉइंट, और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, ये एम रेशो एन में, और ये पॉइंट के हमें इंटरसेक्शन निकालना है। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ, जहाँ ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, और उसकी लोकेशन है एक्स वाई, और एक्स वाई हमारे पास क्या था, एक्स जीरो था और वाई एज इट इज़। तो अब निकालते हैं इसको, तो अब ये वाला फिगर हमारे किसी काम की भी नहीं है, इसको रब कर देते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एम रेशो एन भी नहीं पता और वाई के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, तो एम रेशो एन निकाल दें सबसे पहले, और वो कैसे निकल जाएगा, आप कुछ नहीं करें एक्स कोऑर्डिनेट निकालें, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम एन अपॉन में एम प्लस एन, यहाँ एक्स टू यहाँ एक्स वन प्लस। अच्छा, अब यहाँ देखिए इसको मैं क्या लिखता था, एक्स वन इसको वाई वन इसको एक्स टू इसको वाई टू, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, ज़ीरो, और एम की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखी। एक्स टू की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी, एन ही है, और हमारे पास एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन में एम प्लस एन, ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, तो ये इक्वेशन क्या बनी, -5 + 5n, इसको इधर ले जाता हूँ तो -5n = -m, ये कट कर देंगे तो, और n को मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो m रेशो n क्या आ जाएगा 5/1, तो यानी सिंपल सा हमारे पास m रेशो n यहाँ से आ जाएगा 5:1 में ये डिवाइड कर रहा है, यानी m की वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई n की। अच्छा, अब इसने पूछा y के कोऑर्डिनेट बताएं, तो y का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, y = m n / n, यहाँ लिख दूंगा y2, यहाँ लिख दूंगा y1। अच्छा, y का कोऑर्डिनेट y निकालने की हमें नहीं पता क्या है, m की वैल्यू पता चल गई हमें, m की तो वैल्यू है 5, और y2 की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और हमारे पास y1 की है -6, और ये आ जाएगा m + n, तो m + n कितना आएगा 6, 5 × -4 - 20 −6 ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा -26/6। अच्छा, इसको मैं कितने में कट कर दूँ, 2 पे काट देता हूँ, तो -13/3 आ गया, यानी ये y की लोकेशन आ गई। तो सिंपल सी बात है, जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से y एक्सिस और ये पॉइंट, और ये डिवाइड कर रहा था 5:1 में, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक तो x की तो 0 है वैल्यू, और y की -13/3, यानी ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस पॉइंट के जहाँ पे लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो 10th एग्जांपल है इसको समझते हैं। कह रहे हैं, इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी इसी ऑर्डर में हमें लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पी, यानी ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये हमारे पास वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो अब समझते हैं पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तो यानी ये मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये हमारा एक डायगोनल और एक ये, तो हमारे पास हो गया ए बी सी डी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है
कि जो हमारे डायगनल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं वो इन दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट होता है। अच्छा, मिड पॉइंट से कैसे? मान लीजिए एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर 4 और 5, ये एक डायगनल मान लेता हूँ, एक मतलब एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट है 4 और 5। इससे एक दूसरी लाइन भी गुजरती है, उसका मिड पॉइंट भी यहीं पर रिलाई करता है, तो पॉइंट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या रहेगा? 4 और 5 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं मान लूँ 4 और 5 है, तो ये 4 और 5 ही रहेगा, चाहे ये वाली लाइन गुजर जाए चाहिए, लेकिन ये इन दोनों का मिड पॉइंट ज़रूर है। तो यानी जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगनल जहाँ पे कट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है उन्हीं दोनों डायगनल्स का। यानी ये जहाँ कट करेंगे तो इस डायगनल का भी मिड पॉइंट यहीं होगा, और ये यहाँ जहाँ कट करेगी एसी लाइन, इसका भी मिड पॉइंट यहीं होगा। तब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें सोल्व क्या करना है। तो सोल्व देखते हैं, तो ए की जो हमारी वैल्यू है वो है हमारे पास 6, बी की वैल्यू है हमारे पास 8, सी की वैल्यू है हमारे पास 9, और डी की वैल्यू है P3। आगे समझ में? यानी हमें पी निकालना है कि पी है क्या। ये 4, 5 हटा दो, ये तो बस समझाने के लिए लगाया था। तो मैंने बताया कि इन दोनों का मिड पॉइंट होएगा वो सेम जगह होएगा। तो आप देखिए ए सी है जैसे, अच्छा कोई भी लाइन अगर मैं बताऊँ आपको 1:1 में डिवाइड कर रही हूँ, यानी ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट हो और 1:1 में, तो X1 होता है, ये Y1 होता है, ये X2 होता है, ये Y2 होता है पॉइंट, और ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलता है? X1 + X2 / 2, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा X वाले का, जो इसका X निकल के आएगा। और Y के लिए निकालना हो तो Y1 + Y2 / 2, ये आ जाएगा Y के लिए, ठीक है। तो Y की वैल्यू क्या होगी? Y1 + Y2 / 2, और X की हो जाएगी X1 + X2 / 2। अब इसी से समझते हैं, तो हमारे पास AC का जो मिड पॉइंट होएगा, तो क्या मैंने सिखाया अभी कि ये मान लूँगा X1, ये मान लेता हूँ Y1, ये X2, ये Y2, तो हमारे पास जो X की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? X1 + X2 / 2, और Y की वैल्यू आएगी Y1 + Y2 / 2। क्यों आ रही है? क्योंकि मिड पॉइंट है, तो यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो X1 + X2 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास X1 है 6 और X2 है 9, 9 + 6 / 2 कितना आ जाएगा? 15/2। अच्छा, दूसरा हमारे पास Y1 + Y2 यानी 1 + 4, 1 + 4/2 यानी ये हो जाएगा 5/2। यानी ये जो पॉइंट की लोकेशन आ रही है 15/2 और दूसरी आ गई हमारे पास 5/2। अच्छा, इसका मिड पॉइंट भी यही होएगा, BC का मिड पॉइंट भी यही आएगा। तो BC का X की वैल्यू निकालता हूँ, तो BC के X की वैल्यू क्या आएगी? 8 + P, क्योंकि इसका X1 X2 अलग होएगा, इसका मैं X1 ये X2 X1 Y1 X2 Y2 अब इनको रब कर दो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो X1 Y1 X2 Y2, तो इसका मिड पॉइंट क्या होएगा? 8 + P यानी A / 2, और Y का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 + 3/2, तो ये आ गया 5/2 और ये आ गया 8 + P/2। अच्छा, अब यहाँ समझ गए होंगे कि मैंने आपको बताया था कि सेम मिड पॉइंट आएगा, तो आप देख सकते हैं Y का तो सेम ही आ गया 5/2, मतलब X का भी सेम ही आ रहा है, तो X का सेम आ रहा है, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा? 15/2 इक्वल है 8 + P/2 के। अब देखिए 2 सामने आपस में कट जाएंगे, तो 15 = 8 + P, और 8 इधर आ जाएगा, 15 - 8 = P, यहाँ कितना आ गया? 7 = P, तो यानी P की जो वैल्यू है यही हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी आ गई 7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास D पॉइंट के? 7 और 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। यार भाई, मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।